Thank you. आज का जो सेटअप है वो एक्चुअली व्रत के सारे फल और खाने की चीज़ें रखी है हमने, उसके दो रीजन्स है। एक तो हम निरंजन से डाइट भी करवाना चाहते हैं और व्रत भी, उनकी जस्ट अभी हार्ट अटैक की वजह से थोड़ी हेल्थ ढीली है तो हम उनको हेल्दी करना चाहते हैं। और माँ से मैंने वचन भी दिया है कि मैं इनसे व्रत रख पाऊँगी, जो कभी नहीं चाहेंगे, आज तक नहीं रखा है। तो ये जो है वी आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू, ये क्या बोलते हैं, सबसे जटिल काम जो होता है कि एक ऑलमोस्ट नास्तिक इंसान से व्रत रखवा रहे, तो वही कर रहे हैं। वो काफ़ी चटोरे हैं उनके, वो उनको ज़्यादा वो टेस्टी खाना और ऑयली खाना पसंद है, इसी वजह से उनका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस वजह से जब उनकी ये सारी मनपसंद चीज़ें उनके लाइफ से हटा दी गई है तो वो एक टेंशन, एक फ्रस्ट्रेशन उनकी शक्ल पे आ गया है। और बहू को मना नहीं करते क्योंकि बहू उनका बहुत ध्यान रखते हैं, तो बस उस चक्कर में वो ना गुस्सा कर पा रहे हैं ना ये डाइट कर पा रहे हैं, तो ये उनका वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आपको। आगे का ट्विस्ट तो बहुत ही कमाल का है तो पर मैं रिवील नहीं करूँगी ज़्यादा, बट ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही है हमारे घर में अभी, जैसे निरंजन का हार्ट अटैक, उसके पीछे का रीज़न और क्या हुआ और इसका हमारे परिवार पे आने क्या असर है आने वाले दिनों में, वो आपको दिखेगा। तो ये जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक राइट नाउ, इट्स अ टर्निंग पॉइंट दैट इज़ हैपनिंग, तो आप देखते रहिए हमारा शो। ये तो मेरे सारे घर के सिंपल कॉटन साड़ीज़ है, तो ये जो मेरा लुक है, मुझे एक्चुअली मेरा लुक बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी लाइट एंड ऑल द कलर्स स्पेशली। तो ये मेरी रेगुलर साड़ी है, ऐसा कोई फेस्टिव ओकेजन नहीं है, बट सुंदर है। वो तो जैसे जैसे मेरी लाइफ अनफोल्ड होगी, मेरा करियर आगे बढ़ेगा, वो अपने आप होता जाएगा।